हम सब आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, आदिवासींना न्याय मिळालाच पाहिजे। मैं राजेंद्र किलना के बात कर रहा हूँ। मैं पेरूबाग पासपोली में रहता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे पीछे जो खड़े हैं पेरूबाग के सारे रहवासी हैं, आदिवासी लोग हैं। यहाँ से 2007 से आईआईटी ने एक एमओयू बनाया, जो एमएमआरडी के लिए बनाया, कि जो जोगेश्वरी लिंक रोड वहाँ से जाएगा उसके बदले हमारे पीछे बाजू जो 5 किलोमीटर के अंदर के पीछे बाजू आईआईटी के में झोपड़े हैं, वो झोपड़पट्टी उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए एमएमआरडी और आईआईटी ने आपस में करारनामा किया। उस करारनामा के तहत में इन्होंने जो सर्वे किया वो बोगस सर्वे किया। वो कलेक्टर का सर्वे है, फाइल लिखा। वो कलेक्टर का सर्वे जो है, यहाँ पे जो आदिवासी लोग जो थे उनली 245 ही लोग थे, उसमें से 433 ये लोग का सर्वे इन्होंने किया है, जो इस सर्वे को मूल आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि ये सब बाहर के लोग आके भरे हुए हैं। और ये बाहर के लोग यहाँ से आए हुए हैं, वाड़ा विरार जवार पूरे बॉम्बे के उपनगर के लोग यहाँ से भरे हुए हैं। दूसरा मैं डॉक्यूमेंट ये दिखाना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट पेपर ये है कि यहाँ से जो हम लोग ने इन लोगों का, ये लोग कहाँ कहाँ से आया, ये मेरे पास 250 से 300 लोगों का एक प्रूफ है, जो इलेक्शन आईडी है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड के नंबर जो ऑनलाइन से निकाला हुआ है। ये टोटल फर्जी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के कोई लोग ये कलेक्टर के यहाँ से नहीं है। इन लोगों ने कुरला में मीरा रोड में शिफ्टिंग ले चुका है। जो आदिवासी मूल आदिवासी है वो यहाँ पर रह चुके हैं। मूल आदिवासी को घर देने के लिए इन लोगों ने कोई ये किया हुआ नहीं। हमारा जो चक्टर्स जो है, हमारा जो झोपड़पट्टी है, 1964 में से हम लोगों का भू संपादन होने के पहले का हमारे पास में इतना बड़ा सीड है, जो डॉक्यूमेंट पेपर्स है, जो ये एक एक डॉक्यूमेंट पेपर्स जो है इसमें पूरा 1964 से हमारे पूरे टक्चर्स के मुताबिक रेवनी रिकॉर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट पेपर का नोंद है। उसके बावजूद भी हम लोग जो सल्लू कुरैशी हो गया, संतोष दोड़े हो गया, नाडू हो गया, आदिवासी लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट किए, तकरार किए, कोई सुनवाई हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने शिफ्टिंग करते समय इन लोगों ने ऐसा ये कहा कि तुमको एक ऐसे डॉक्यूमेंट पेपर दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ये जो लोग हैं, इन लोग हजार रुपये में आईआईटी और एमएमआरडी घुगे, मिस्टर घुगे, मिस्टर मोहिते और मिस्टर मते आईआईटी के ऑफिसर लोग, ये हजार रुपए के लिए ये लोग मानखूर वहाँ से 12 से हम लोगों ने पकड़ के इन लोगों को सुपरद किया था, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था, पुलिस स्टेशन ने भी इंक्वायरी करने का ये किया। ये पुलिस स्टेशन का FIR है, सारी चीज़ है। मीडिया वाले को हम लोग ये विनंती करते हैं कि भाई हमारा न्याय निवाड़ा करो, कुछ करो, लेकिन इन लोग कुछ हमारा ये किया नहीं। उसके बावजूद भी ये 35 से 40 आधार कार्ड है, ये बोगस है। ये वाड़ा विरार जवार के रहवासी लोग हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग लेके चुचो चुके हैं। एमएमआरडी को जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं MUDP के आधारित में हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है, जिस टाइम कलेक्टर ने सर्वे किया था वो सर्वे के टाइम पे इन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जो भी XYZ है, ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं इन्होंने चेक किया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आज हम लोग वहाँ रहने के बावजूद भी आज हमको ये 5 मार्च की नोटिस है, ये आप देख सकते हो। कल ये पुलिस के साथ में MMRDA का कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन IID की फोर्स, पुलिस स्टेशन की फोर्स, ये सारे फोर्स लेके आके इन सारे आदिवासी लोगों के घर के ऊपर जबरदस्ती से घर में से खींच खाच करके नोटिस लगा दिया। ये 5 मार्च की नोटिस है, 5 मार्च की नोटिस, आज 28 मई है, और इनमें ये लिखा हुआ है 10 दिन का मोहलत दिया हुआ है। आप ये सोचो, आपको ये जानकारी दे दो कि 10 दिन इनको कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा।
हम लोग मूल आदिवासी है, आदिवासी होने के बावजूद भी ये लोग आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। हम लोगों की इतनी मांग है कि हम लोगों को पूछताछ करे, हम लोगों को साथ विश्वास में ले ले और हम लोगों को वर्ल्ड बैंक के नियम से जो सर्कुलर है जो 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर का जो पुनर्वसन का अधिकार है वो हमारे आदिवासी लोगों को मिले। हम लोग यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। कल मैं ऑफिसर के पाँव पड़ा, फिर भी उन्होंने पुलिस ऑफिसर ने झटका दिया, धक्का बुक्की किया। आपको मैं वो वीडियो क्लिप आप सभी चैनल वाले को दे देता हूँ। हमारी मांग यही है कि हमको हमारा न्याय निवाड़ा हुए, हम लोगों को पूछताछ करें, हम लोगों के जहाँ हमारा रोजी रोटी रहे, जहाँ हमारे ऊपर छत रहे, जहाँ हमको वहाँ से कोई सुविधा से वंचित न हुए, ऐसे जगह हम लोग शिफ्टिंग लेने के लिए तैयार है। लेकिन MMRDA प्रशासन हमारी कोई बात ना सुन रहे, IIT कोई बात ना सुन रहे। हम लोगों का यही कहना है कि 3 किलोमीटर के और 5 किलोमीटर के अंदर हम लोगों को पुनर्वसन दे दीजिए। हम लोगों का कोई ऐतराज नहीं है और ये न्याय निवाड़ा जांच जल्दी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, 7 दिन के अंदर का ये नोटिस अगर ये कैंसिल नहीं करती है तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आदिवासी लोग पूरा विहार तालाब के अंदर आत्मदहन करेगा। ये मीडिया के सामने बोल रहे, बात सही है क्या नहीं है? तुम लोग सब सब सगळे आम्ही सगळे जण विहार तलाव मध्ये यांना प्रशासनाला न सांगता आम्ही तिथे पूरा कुटुंब बायका मुला सहित हम लोग वहाँ पे आत्महत्या आत्मदहन करेंगे। ये हमारा नोटिस बड़ जबरी से लगा हुआ है, हमको मान्य नहीं है। इसके बाद में हम लोग बहुत ही जल्दी आंदोलन तीव्र करेंगे और मीडिया से मेरी यही विनंती है कि यह हमारा आवाज, आदिवासियों का आवाज, हमारी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी नहीं सुनाई दे रही है। प्रशासन मोदी जी के पास तक सुनाया जाना चाहिए और सारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के द्वार से सभी लोग, जितना भी NGO है, संस्था है, सब लोग हमारे पास में हमको सपोर्ट करे, हमारे को सहायता दे, हमारी मजबूरी का ये जैसा फायदा उठा रहे, इनकी ये जो गुलामगिरी है हमको न्याय निवाड़ा मिलने की हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही, यही हम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, विनंती है। सरकार के पास गए थे स्थानीय नेता, विधायक, सांसद कोई मदद के लिए आया? सरकार के पास सिंधे सरकार के पास में हम लोग जो गए थे उनके जो कुछ काम, मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन मंत्री लोगों का भी यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है। उन मंत्री लोगों ने भी यहाँ पे 4G भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित किया हुआ है। वक्त आने पे मैं तुम उन लोगों को मीडिया के पास में लेटर दे दूंगा किन किन मंत्रियों लोगों के हाथ है इसमें। आम्ही आता हे नोटीस वगैरे घेऊन गेलो होतो साहेबांकडे, मोहिते साहेबांकडे, मते साहेबांकडे, पण त्यांनी काय भुगे साहेबांकडे, पण ते आता आम्हाला टाळाटाळ करतात आहेत की बोलतात आता आम्ही इथे गेलो तिथे गेलो, नाही आहोत आमचं काहीच इथे ऐकून घेत नाही आहेत आणि आम्ही गरज नसताना येऊन नोटीस लावून जातात आणि ज्या घरात बायका आहेत त्यांना घराच्या बाहेर काढून पोलीस फोर्स आणतात तिकडनं आणि घराच्या बाहेर काढून जबरदस्ती नोटीस लावतात तर आमच्यावर अत्याचार करतात आहेत, तर तुम्ही आम्हाला न्याय मिळवून द्या। आमच्या सगळ्या आदिवासी बायकांचा सगळ्यांचा कंप्लेंट मार रहा हूँ और ITI मार रहा हूँ। अभी तक MMRDA ने इस पर कुछ एक्शन नहीं ली। जो इधर के अधिकारी पूरे मिले ले, मोहिते और गोगे साहब और IIT के अधिकारी मते और अव्वल साहब और पवई पुलिस स्टेशन के लोग सुनवाई नहीं करते। अभी इससे पहले मैं यहाँ पे कंप्लेंट डालने आया था तो मेरे पर अटैक हुआ। MMRDA के लोग बोलते कि एलिगेशन मार रहे, ये बांद्रा पुलिस स्टेशन की NC है राजन के नाम पे, राजन सावन और शिवराम सुतार। जो मैंने पहले एक ITI डालने आया था लोग पहली खबर देते थे क्या ITI डालने आए ये, क्योंकि मेरे पास पूरा इन लोगों का भ्रष्ट अधिकारी लोग का रिकॉर्ड आ चुका है और मैंने बहुत कंप्लेंट किया और मेरे पर जान से मारने की भी धमकी आई और यहाँ 2 बार अटैक हुआ मेरा MMRDA के सामने पार्किंग के अंदर। ये जो तारीख की NCA में तारीख डेट है। थैंक यू।